भारत जोड़ो यात्रा, फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा, कहां भारत टूटा हुआ, कहां न्याय हो रहा है? सही बात आपने पूछा। हमारे साथ पूर्व जिला अध्यक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बलजीत सिंह बेदी जी मौजूद हैं। बलजीत सिंह जी, आज रामगढ़ में कितने की तादाद में आप लोग होंगे और क्या कुछ अपने नेता को आज आप मैसेज देना चाहेंगे? आपके सामने यहाँ जो छोटा सा जगह है गोला, गोला में 30 से 35 हज़ार लोगों का हुजूम आप देख रहे हैं। कल का जो हुजूम होगा, जो पदयात्रा में होगा, जब पदयात्रा में निकलेंगे राहुल जी, तो उनके साथ लाखों की संख्या में लोग, अब पूरे लोग घर से बाहर निकलेंगे, अपने छतों पर निकलेंगे और फूल वर्षा करेंगे और उनका स्वागत करेंगे। पूरी तैयारियां की जा चुकी हैं। जिला कांग्रेस कमेटी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी, हम सबों ने मिल करके बहुत भव्य तैयारी की गई है। ये गाड़ियाँ देखिए, रैला आ रहा है, सारे कंटेनर आ रहे हैं जो राहुल जी के साथ चल रहे हैं। राहुल जी का चंद मिनटों में गोला की धरती पर भी आगमन होना है। यहाँ से लोग चलेंगे और हम सब रामगढ़ जाएंगे, रात्रि विश्राम उनका रामगढ़ में है। भारत जोड़ो यात्रा, फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा, कहाँ भारत टूटा हुआ, कहाँ न्याय हो रहा है? सही बात आपने पूछा। जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल जी ने कन्याकुमारी से कश्मीर के लिए निकाला, जब पैदल चल रहे थे तो कई जगह में लोगों ने अपने दुखड़े सुनाए कि हमको ये न्याय नहीं मिल रहा, हमको वो न्याय नहीं मिल रहा है, हमारे साथ ये दिक्कत आ रही है। तब वो बताए कि ठीक है, मैं फिर जब यात्रा निकालूंगा तो उसमें न्याय शब्द जोड़ दूंगा। तब जब वो यात्रा पूर्ण हो गई, उसके बाद फिर लगा कि नहीं, यहाँ देश की जनता के साथ अन्याय हो रहा है और ये सरकार अन्याय कर रही है, तब उन्होंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आरंभ किया, जो मणिपुर से चल करके, जहाँ सबसे बड़ा अन्याय पूरा विश्व जानता है कि मणिपुर में जो हालात हुए, जो वहाँ महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हुआ, बोलने की बात नहीं है, सब जानते हैं। और वो यात्रा के बाद उन्होंने न्याय यात्रा निकाली और न्याय यात्रा चल रही है। इस बार इस यात्रा को आप एक तरह से राजनीति यात्रा है, क्योंकि बस कुछ दिन में चुनाव आने वाले हैं, तो अपने समीकरण को भी वो तय कर रहे हैं, लोगों को अपने साथ जोड़ने का, कहें तो भारत के लोगों को अपने साथ जोड़कर कांग्रेस की नीतियों को समझाने की वो एक मजबूत कोशिश कर रहे हैं, ताकि लोग उनके साथ जुड़े और आपका जो इंडिया गठबंधन उसकी सरकार बने, यही कोशिश है? नहीं, हमारी कोशिश है कि न्याय मिले, मजदूरों को न्याय मिले, किसानों को न्याय मिले, बेरोजगारों को न्याय मिले, महिलाओं को न्याय मिले। जो आप जैसे पत्रकार हैं गोदी मीडिया को छोड़ करके, आप लोगों को न्याय मिले, जो पेंशन होल्डर उनको न्याय मिले, सैनिकों को न्याय मिले, सबके साथ अत्याचार हो रहा है। ये देखिए क्या क्या नया वीर बना देते हैं, ये जो चाहते हैं सो करते हैं। ये जो हिटलर की जो सरकार है, ये जो दो लोगों की सरकार है, जो दो लोग देश को बेच रहे हैं और दो लोग खरीद रहे हैं, दो हम दो हमारे दो का नारा कांग्रेस ने दिया था, लेकिन इसको पूरा ये सरकार भाजपा की कर रही है। दो लोग बेच रहे हैं, दो लोग खरीद रहे हैं, इसी के न्याय के लिए न्याय यात्रा निकाले हैं राहुल जी ने। चंद मिनटों में आपके सामने आएंगे, वो भी अपनी बात को आपके सामने रखेंगे। ये 2 से लेकर 10 तारीख तक चलेगा ना यहाँ पर झारखंड में? झारखंड में 8 दिन का यात्रा है, 2 तारीख से हम लोग यहाँ इन किए हैं, 10 तक झारखंड में है, झारखंड के बाद हम दूसरे। बहुत अच्छा, धन्यवाद बेदी जी। और आपको बता दें कि यह यात्रा झारखंड में आज 3रा दिन है, पहले पाकुड़ पहुंचे थे और उसके बाद आज रामगढ़ के गोला में इनका स्वागत है, और गोला के बाद यह रामगढ़ में कल गांधी चौक से इनका एक कार्यक्रम होगा, मतलब 4 और 5 को रामगढ़ में इनका कार्यक्रम होगा। और आपको बता दें कि 804 किलोमीटर का झारखंड का इनका यह भारत जोड़ो न्याय यात्रा का कार्यक्रम है। 13 जिले में यह भ्रमण करेंगे, 13 जिले में भ्रमण करेंगे, और राहुल गांधी आते हैं तो उनके वीडियो से आपको हम रूबरू करवाते हैं। धन्यवाद। माँ पीताम्बरा फर्नीचर, सभी प्रकार के फर्नीचर आइटम्स 20% के आकर्षक डिस्काउंट के साथ। तो आज ही आए माँ पीताम्बरा फर्नीचर, अशोका होटल के सामने गली में, लोहा टोला, रामगढ़ कैंट, रामगढ़। संपर्क करें। मेरे नन्हे कदम, अ ब्लेस स्कूल इज नर्चरिंग चाइल्डहुड विद स्ट्रॉन्ग एकेडमिक फाउंडेशन, सो मेनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज एंड फुल ऑफ एक्सपोजर, अवॉर्डेड एज बेस्ट प्री स्कूल इन ईस्टर्न इंडिया। विजिट योर नियरेस्ट ब्रांच, रांची बिहाइंड फिरायालाल एंड अशोकनगर, इन रामगढ़ नियर मिलोनी क्लब बिचोलिया, रामगढ़ कैंट।